या मनु एहल ईमान ला तखिजू आबाकुम व अखवानकुम मत बनाओ अपने माँ बाप को अपने भाइयों को अवलिया अपना दोस्त किस सूरत में दोस्त ना बनाओ इन इस्तहबुल कुफर एडल ईमान अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफर की रविश इख्तियार करते हैं ना तो तुम्हारी कोई जिगरी यारी उनके साथ नहीं होनी चाहिए मतलब क्या प्रायोरिटी अल्लाह और उसके महबूब वसल्लम की निस्बत है एक तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है ना और वह अल्लाह और उसके पैगम्बर का मानने वाला है ना उससे तुम्हारी जिगरी यारी होनी चाहिए और एक तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी है ना अगर वो अल्लाह और उसके रसूल का बागी है तो फिर उसके साथ कोई लिहाज वाला मामला नहीं हाँ दुनिया में मारूफ तरीके से तो वो चलना ही चलना है लेकिन वो लिहाज नहीं होगा हजरत नूअसलाम का जब बेटा डूबा है और उन्होंने कहा मेरे अहल बैत में से तो अल्लाह तुम्हारा अहल ही नहीं है क्योंकि इसके अमाल काफिरों वाले पैगंबर के जिसम का टुकड़ा हो के भी अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है तो बाकियों के रिश्तेदार तो शाही को ही नहीं अगर वो कुफर की रविश को इख्तियार करते सरकार ये कुरान वाला जो दीन है ना जी ये बड़ा मुश्किल है इधर तो सब कुछ सेंटर्ड अराउंड गॉड है जो गॉड का मानने वाला है वो आपके सरकताज है चाहे वो आपके दुश्मन खानदान से भी ताल्लुक रखता है आपने फिर ये लिहाज नहीं करना मैं आपको अपना बताऊं हमारे कई ऐसे रेलेटिव हैं जिनसे यानी हमारे अबाउजदाद के जमाने से बोलचाल बंद 25 30 30 40 चालीस साल से एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन आज उनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं यहां आते हैं मिलते जुलते हैं कोई मसला नहीं उनकी ऐसे बड़ों ने भी आना शुरू कर दिया यानी इस्लाम एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों से आपको आजाद कर देता है अब हमारी नजर में अब हम इस चीज को हैं कि जी हमारे अबाजदाद के साथ इन्होंने ज्यादा की थी या हमारों ने उनके साथ ज्यादा की थी हमारी मर्जी जाए नहीं हम तो अपनी आखिरत की फिक्र में हमें तो वो अच्छा लगता है जो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से अज हमसे ताल्लुक रखे हुए और हम उससे ताल्लुक रखे हुए रिश्तेदारियां क्या चीज है करीब होना क्या चीज है तो यही तो साबाक राम में था जंग में इस तरफ बाप खड़ा है दूसरी तरफ बेटा खड़ा हुआ है और यह बड़ा मुश्किल डिसन था शुक्र है हमें इस लेवल पर नहीं उतरना पड़ा तो ज्यादा ज्यादा नाराजगियां हो जाती हैं या कोई ऐसा मामला हो जाता है तलवार नहीं दूसरे खिलाफ उठानी पड़ती कोई ज्यादा ज्यादा घरी कर लेता है इससे ज्यादा कोई क्या करेगा तो तुम्हारे अबाउजदाद में हो या भाइयों में हो तुम उनसे मोहब्बत की रविश नहीं इख्तियार कर सकते कुफ्र को ईमान पर तरजीह तुम नहीं दे सकते वमईय मिन और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती गांठता है फलामोन तो वही जुल्म करने वाला है अच्छा इस दोस्ती से मुराद आप यह ना समझिएगा कि हुसन अखलाक से भी मना किया जा रहा है नहीं तो कुरान में वाज है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हक माँ बाप का है चार जगह कुरान में अल्लाह ने तोहीद के फौरन बाद माँ बाप का जिक्र किया और सुर लुकमान में फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुझे उभारे ना कि मेरे साथ शिर कर तो फिर तुमने उनका कहना नहीं मानना लेकिन दुनिया में मारूफ तरीके से चलना है ये नहीं है कि मां बाप काफिर रहे और बीमार हो गया उनका इलाज नहीं करवाना नहीं ये नहीं है मारूफ तरीके से चलना है उसने अखलाक से पेश आना है जिगरी यारी नहीं है जिगरी यारी आपकी उसके साथ होगी जो दीन पे चलने वाला है जिसकी नस्बत अल्लाह और उसके महबूब वसल्लम की वजह से बाकी सारी चीजें बाद में अब जो कोई ये हरकत करेगा तो अल्लाह ताला फरमा है फिर फला इकहमाल तो ऐसे ही लोग हैं फिर जुर्म करने वाले वो ज़ालिम है असल मुजरिम है अल्लाह के हजूर जो अपने रिश्तेदारियों को पहले नंबर पर निभा रहे हैं और दीन इस्लाम को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा हुआ है अच्छा ये बातें वैसे तो बड़ी आसान लग रही हैं और हम ये पढ़ते हुए सोच रहे होंगे कोई चौदह सौ साल पुरानी बात है मैं तो ऐसा नहीं कर रहा लेकिन अगर आप गौरतफ्र करेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस रूल का ख्याल कोई नहीं रखे हुए उनके नजदीक अपनी रिश्तेदारियां टॉप प्रॉरिटी के ऊपर हैं, अपने माँ बाप की दुश्मनियां वो निभा रहे हैं और जी मेरे अब्बा जी थानू पता पूरी जिंदगी नहीं अब बढ़े बड़ा चंगा काम कीता अच्छा लोग अपने बाउदाद की खूबियां गिनवा रहे होते हैं जी साढ़े चाचे हो रीसन सन जी बड़े गुस्से थे सन जी ओ हो एक बार वि गए वो आगे को, कोई भी हर जगह स्टोरी है जी तो उन्होंने उनको किसी डोमिनेट जगह पे नहीं बिठाया और फिर जनाब उसका आर ही दोबारा पड़े मेंटल सी तेरा चाचा ये फखरिया बात है लोग फख्र से अपने बाउदाद के किस्से सुना रहे होते हैं और सारे वो तकबर भरे हुए रिश्ते होते हैं आठ जी वाला कोई नहीं सुनाता आज तक आपको किसी ने सुनाया कि हमारे चचा जो है वो माशाला इतने खुश अखलाक थे कि फलां मौके पर गए तो उनके साथ हमारे रिश्तेदारों ने ज्यादा की लेकिन वो खुद माजत करके उठे और पूरी जिंदगी उनके साथ उसने सलूक करते थे वो कहते थे चलो वो वाकई बुला दिया नहीं ये कोई नहीं बताएगा इसको तो लोग मतलब मैं वो पंजाबी का लफ्ज नहीं बोलना चाहता ऐसे लोगों को तो लोग फिर ये कहते हैं कि ये तो वो है यहां तो जो बदमाश होता है ना जो अपना गुस्सा दिखाता है उसकी लोग तारीफ करते हैं इसके पीछे क्या मेंटेलिटी क्या है अल्लाह और उसका रसूल टॉप प्रायोरिटी नहीं है टॉप प्रायोरिटी उनकी अपनी रिश्तेदारियां हैं खानदान है अपनी रसूमात है ठीक है और अगर कोई इस तरह रूटीन से हटके बात करता है लोग कहते हैं आई पागल है यार हिन्नू के यही कही गला कर रहे तो अल्लाह के फजल से हम तो शुरू से ही पागल है इस मामले में मैं अपना आपको बताऊं और मैं तो एक लम्हे का भी तोफ नहीं करता इस मामले में कि अगर किसी अपने की तरह से जाती है फौरन कहना है मुंह में कहना है कि तेरी जाती है वो ठीक है आप देखें वो मां बाप कामयाब समझे जाते हैं कि अगर उनकी औलाद कोई गलत काम कर का रहा है ना तो वो मां सबसे कामयाब मां समझती है जो अपने बच्चों के ऐबों पर पर्दा डालती है और दूसरों के साथ लड़ लेती है और दलायल की रोशनी में जेर कर देती है मोहल्ले की औरतों को कि मेरा बच्चा तो बेकसूर है कसूर तेरे बच्चे का आपने आज तक कोई मां देखी है कि बच्चे ने शरारत की हो और घर आए लड़ाई हुई हो और दूसरे शिकायत लेके घर आए और शवाहिद की बुनियाद पे उसे पता चल जाए कि मेरे बच्चे की ज्यादा है और वह अपने बच्चे को डांटे कोई लाखों में एक मां होगी और अगर कोई होगी तो उसका अपना खामद ही सकेगा ये तो पागल औरत है खामद ना भी के उसकी सास उसके पीछे पड़ जाएगी ये तू क्या गीता है लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी नेकी कर रही है अपनी औलाद के साथ जेन में रखिएगा यानी मुझे पता है कि हम अगर वो गलत काम बार करके आ जाए तो हमारे मां बाप तो हमारा एक लंबे का भी लिहाज नहीं करते थे चाहे गलती दूसरे की भी वो भेंटी मारी लगती थी और वो भेंटियां काम आई हैं केवला सही रहता लेकिन अगर आप शह देंगे और मेरे साथ के लोग थे मैं आज उनको देखता हूं ना जिस तरह वो जलील हो रहे हैं तो मैं कहता हूं ये तुम्हारे मां बाप का कसूर था वाकि तुम जब बचपन में इस तरह की हरकतें करते थे तो मुझे याद है कि तुम्हारी मां किस तरह तुम्हें सपोर्ट करती थी उसको तो आप नहीं कह रहे और तुम्हारा बाप उस वक्त तुम्हारी पुष्प पर कैसे खड़ा हुआ था उस वक्त तो लोगों को अच्छा लग रहा था लेकिन अगर आज तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हें दिखाया जाता ना कि तुम्हारे मां बाप की गलतियों ने तुम्हें आज का यह दिन दिखाया तो तुम कहते काश हमारे मां बाप हमारे साथ ये हरकत ना करते हमें शह ना देते हमारी गलतियों के ऊपर अच्छा ये सारी की सारी खराबियां अगर आप दीन की नजर से देखें ना तो सरकार दीन तो बार बार कह रहा है तुम्हारे मां बाप औलाद अपने खिलाफ भी तुम्हें गवाही देनी पड़े तुमने इंसाफ के लिए खड़े हो जाना है अगर कोई मुसलमान वाकई सिर्फ कलमा को मुसलमान ना हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो वो फिर ये नहीं देखेगा कि ये मेरा बच्चा है ये मेरा भाई है ये मेरा बेटा है वो देखेगा यार इसने जाती की उसके साथ वो उसकी रेमेडी करेगा माफी मांगेगा कि मेरे बच्चे को माफ कर दे इसकी आखरत का सवाल है यहां पे जो तगड़े लोग हैं वो कहते हैं ठीक है फिर कोर्ट से भी पैसे देके छुड़वा लेते हैं अगर कोर्ट से जमानते ना हो फिर जो पीछे लवा है, है उनको पैसा खिला के दियत के ऊपर राजी कर लेते हैं कत्ल करके भी छूट जाते हैं और जिलत और ख्वारी फिर दुनिया में उनका मुकद्रा है हमने तो दुनिया में कोई सुखी नहीं देखा जी इस तरह के बंदों को और आखिरत में जो कुछ होना है वो तो होना है लेकिन अगर दीन पर चले होते और ये टॉप प्रायोरिटी अल्लाह की जात रखी हो फिर आपने फिर ये आप लिहाज नहीं करेंगे ये मेरा रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है लेकिन इसमें याद रखिएगा ये काम वही कर सकता है जो अपने ऊपर भी दीन को इंप्लीमेंट करे जेन में रखिएगा अगर आपका कंडक्ट यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा करते हैं ना इंसाफी करते हैं आप फिर अपनी औलाद के लिए आइडियल नहीं बन सकते अपनी औलाद को आप उसी सूरत समझा सकते हैं जब उन्होंने आपका भी प्रैक्टिकली वो सारा मामला देखा है कि ये ज्यादा नहीं करता अपने केसेस में भी देखें मेरे साथ किसी ने ज्यादा की और मैंने उसे माफ कर दिया इसके बाद ही मैं अपनी औलाद को बता सकता हूं ना कि ठीक है देखो मैंने भी ये किया था तुम भी सरफे नजर करो अल्लाह बदला देने वाला है लेकिन खुद मैं सुबह से शाम तक गाली गलोच करूं अपनी दुश्मनियां बुलाऊं ही ना चलाकियां करूं और अपनी औलाद को सीधा दीन सिखाऊं ये हो नहीं सकता खुद मैं झूठ बोलूं औलाद के साथ भी बीवी के साथ भी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा अक्सर लोग अपने बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने ये काम करते हैं और वो समझते हैं ये तो बच्चे हैं लेकिन वो सारी चीज उनके दिमाग में चिपक रही होती है वो फीड हो रही होती है उनको पता होता है हमने भी फिर यही कुछ ही करना है और कई तो अक्सर माँ बाप तो चीजें ही गलत सिखाते हैं जी औलाद को सीधी सी बात है जो सीधा साधा बच्चा होता है ना जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं वो कहते हैं ऐ मेरा मुंडा थे बस अल्लाह ही इन्होंने सम्भाले इतने किसी का हमदा नहीं और जो एक नंबर का शरारती होता है ना ठीक है दो नंबरियों में शेर चलाकियों में शेर बहाने करने में शेर झूठ बोलने में शेर लेकिन वो उस वक्त तक आपको अच्छा लग रहा है जब तक वो दूसरों के साथ कर रहा है अब आप ये ना समझिएगा कि वो दूसरों के साथ कर रहा है तो आपके साथ नहीं करेगा हाँ। क्योंकि जब वो उसकी ट्रेनिंग ये हुई है तो चूना तनु ही लाना है उन्हें एक ना एक दिन ये जेन में रखना ठीक है तो इस एतबार से ट्रेनिंग करते वक्त औलाद की आपने जेन में रखना है मैं अक्सर कहता हूं छोटे बच्चे जो है ना ये बंदरों की माने धोते हैं बंदर जो देखते हैं ना वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अगर आप अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप वो कुछ करें जो दीन के मुताबिक है और जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद भी उसे प्रैक्टिस करना शुरू करते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते सरकार आप पूरा कुरान उन्हें पढ़ा दे हदीस पढ़ा दे वो कहेंगे कुरान और हदीस तो इसने भी पढ़ा हुआ था उसके बाद यही करना होता है कुरान हदीस लिखे ही रहना चाहिए और ये सिर्फ बयान करने के लिए अमल करने के लिए अगर इसमें कोई खैर होती तो अब्बा जी भी अमल कर रहे होते ना हाँ कोई अल्लाह ताला किसी रहम फरमाए उसे कान से पकड़ के हिदायत के रास्ते पे चला दे वो अलग बात है अदरवाइज ये मुश्किल काम हो जाता है